फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारे लिए कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन गया, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन या तो पास्ट प्रैक्टिसेस से आएगी या पब्लिश स्टेटमेंट से आएगी। सही। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल रिफंड होता है ना, रिफंड, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बना देते हैं भाई हम रिफंड नहीं देंगे, या गुड्स रिटर्न करने आएंगे तो हम रिटर्न नहीं लेंगे, रिफंड नहीं देंगे, तो वो लीगल ऑब्लिगेशन आपकी खत्म हो गई। लेकिन अगर पास्ट में आपने किसी को रिफंड दिया है तो इसका मतलब है आपने एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर दी कि अब जो भी रिफंड लेने आएगा उसको रिफंड मिलेगा, तो ये आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन बन जाएगी। ठीक है, तो जो प्रोविजन बनाया जाएगा वो लीगल ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट भी बनाया जाएगा और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन के अगेंस्ट भी बनाया जाएगा। लेकिन अगर लीगल ऑब्लिगेशन ना हो, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन भी ना हो, तो फिर इसका मतलब है प्रोविजन हम नहीं बना सकते, उसकी लाइबिलिटी होना शर्त है। क्लियर? अच्छा, प्रोविजन और अदर लाइबिलिटीज में डिस्टिंग्विश करना बड़ा आसान है। प्रोविजन कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज सच एज ट्रेड पेबल्स एंड अक्रूवल्स बिकॉज देर इज अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द फ्यूचर एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड इन सेटलमेंट। लेकिन पेबल्स वगैरह के अंदर इतनी अनसर्टेनिटी नहीं होती, इसलिए हम उसको प्रोविजन बना के रिकॉर्ड नहीं करते। अब प्रोविजन आपने डेफिनेशन तो मीट कर ली, ऑब्लिगेशन आ गई, चाहे लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो, प्रोविजन बनना चाहिए। तो प्रोविजन बनाने के लिए रिकग्निशन क्राइटेरिया मीट होना जरूरी है, डेफिनेशन काफी नहीं है। तो प्रोविजन को अगर कोई कंपनी बैलेंस शीट में रिकॉग्नाइज करना चाहती है तो उसका क्राइटेरिया क्या है? 3 पॉइंट्स, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होनी चाहिए लीगल और कंस्ट्रक्टिव एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ये तो लायबिलिटी की डेफिनेशन का ही पार्ट बन गया ना, ये होनी चाहिए। प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए कि आउटफ्लो होगा। प्रोबेबल का मतलब क्या होता50%। है? मोर देन 50%। सही है, और अगर 50% हो तो वो पॉसिबल होता है, प्रोबेबल ठीक। नहीं होता। और तीसरी चीज कि जब आप उसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो एक रिलायबल एस्टीमेट होना चाहिए, क्योंकि अमाउंट तो एस्टीमेट ही करना पड़ेगा ना, वो तो एक्चुअल हो ही नहीं सकता। तो 3 चीजें हो गई, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, आउटफ्लो प्रोबेबल होना चाहिए, और अमाउंट रिलायबली, इनमें से अगर कोई भी एक चीज मिसिंग हुई तो प्रोविजन नहीं बन सकता। सही है, जी अच्छा, वो जो पास्ट इवेंट होगा वो एक ऑब्लिगेटिंग इवेंट होगा, ये हम बात कर चुके हैं। वो ऑब्लिगेटिंग इवेंट किसी वॉयलेशन से आया होगा या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन से आया होगा, वो आगे एक्सप्लेन किया होगा। रिलायबल एस्टिमेट बनाना इतना आसान काम नहीं होता, उसकी भी आगे डिटेल्स प्रोवाइड की जाएंगी, रिलायबल एस्टिमेट बनाने के तरीके क्या होते हैं। अब आता है सवाल यहाँ पर कि जब प्रोविजन बनाया जाएगा तो उसके एंट्रीज क्या होंगे। ये देखो, फॉर एग्जाम्पल हम प्रोविजन फॉर वारंटी बना रहे हैं, और सपोज पहली मरतबा बना रहे हैं, तो हमने डेफिनेशन चेक की, क्राइटेरिया चेक किया, हमें पता लग गया कि हमने एक एस्टीमेट बनाया कि हमें 2 लाख का प्रोविजन बनाना है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे? वारंटी एक्सपेंस डेबिट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट। प्रोविजन फॉर वारंटी क्रेडिट, यानी कि प्रोविजन का जो जिस चीज के लिए प्रोविजन बनता है, प्रोविजन से वो एक्सपेंस बनेगा, ये आपने बना दिया, ये पीएनएल में चला गया और ये बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चला गया। अब हर साल ईयर एंड के ऊपर इसे री एस्टिमेट किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा, री एस्टिमेट किया जाएगा। एज ए रिजल्ट दो बातें हो सकती हैं, या तो इंक्रीज इन प्रोविजन होगा,
या फिर डिक्रीज इन प्रोविजन। ठीक है, अगर प्रोविजन इंक्रीज करना है, पिछले दफा कम प्रोविजन बनाया था, इस दफा आपको ज्यादा प्रोविजन बनाना है, तो इट इज एक्सपेंस, सेम एंट्री पास हो जाएगी। और अगर प्रोविजन डिक्रीज हो रहा है तो इट इज टू बी ट्रीटेड एज इनकम, रिवर्स एंट्री हो जाएगी। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, सही, अब प्रोविजन का जो क्रेडिट है ना, वो तो हमेशा प्रोविजन ही बनेगा ना। डेबिट जो है ना, डेबिट वो मेजोरिटी टाइम एक्सपेंस होता है, बास केसेस में वो एसेट भी हो सकता है। इन्वायरमेंटल प्रोविजन जो बनते हैं उसका डेबिट साइड एसेट में जा रहा होता है। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी को डील कर रहा है ना प्रोविजन, प्रोविजन डील कर रहा है अनसर्टेनिटी को, तो अब मेजरमेंट कैसे करें, एस्टिमेशन करना है। तो स्टैंडर्ड सेज दैट बेस्ट एस्टिमेट होना चाहिए, द अमाउंट रिकग्नाइज एज अ प्रोविजन शैल बी द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग ईयर। अब बेस्ट बेस्ट एस्टिमेट कैसे निकालना, तो बेस्ट एस्टिमेट क्या होता है, इज द अमाउंट दैट एन एंटिटी वुड रैशनली पे टू सेटल द ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, या तो खुद पे करे या ट्रांसफर कर दे किसी थर्ड पार्टी को रैशनली। ठीक है, तो जो भी रैशनली पे होगा ना, वो एक बेस्ट एस्टिमेट हो सकता है। अच्छा, जो एस्टिमेट बनाए जाते हैं ना नॉर्मली, वो उसमें मैनेजमेंट की जजमेंट इस्तेमाल होती है, सप्लीमेंटेड बाय एक्सपीरियंस ऑफ सिमिलर ट्रांजेक्शन। यानी कि अगर इससे पहले ये काम हो चुका था तो सिमिलर ट्रांजेक्शन का जो एक्सपीरियंस होता है वो मैनेजमेंट की जजमेंट, और बाज दफा इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट को देख के भी बनाया जा सकता है। ठीक है, क्या रिपोर्टिंग डेट के बाद अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो क्या वो प्रोविजन में एडजस्टिंग इवेंट बनेगी या नॉन एडजस्टिंग इवेंट बनेगी। तो यहाँ लिखा हुआ है, द एविडेंस कंसिडर्ड इंक्लूड्स एनी एडिशनल एविडेंस प्रोवाइडेड बाय इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड। इसका मतलब है इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड में अगर आपको प्रोविजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलती है तो वो क्या होगी, वो एडजस्टिंग इवेंट बनेगी, वो नॉन एडजस्टिंग नहीं होगी। अब यहां तक ना मसला हल नहीं हुआ, बेस्ट एस्टिमेट हुआ, पता तो लगा नहीं प्रोविजन बनाएंगे कैसे। तो जिस इवेंट का प्रोविजन बनाना होगा ना, उसको हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर देते हैं। या तो वो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट होगा जो बार बार होता होगा, या फिर वो वन ऑफ इवेंट होगा। अब उन दो के तरीके बताए जा रहे हैं। ठीक है, वेयर दी प्रोविजन बीइंग मेजर्ड इन्वॉल्व्स अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ आइटम्स। अब इसकी एग्जांपल क्या होगी, वारंटी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बार बार वारंटी देती है, बार बार वारंटी देती है, तो उनके पास एक्सपीरियंस होता है इसका। तो ऐसे आइटम्स जो लार्ज पॉपुलेशन ऑफ इवेंट्स में आ जाएं, उनका प्रोविजन